चलिए आपको सुनाते हैं एक ऐसी अनकही दास्ता जहाँ के किस्सों के बारे में आपने आगे नहीं सुना था। MS धोनी के खड़गपुर और टेनिस क्रिकेट के किस्सों को आप तक हमारे दो होस्ट किशोर और आदित्य पहुंचाने की पहल करेंगे। इस वीडियो को बनाने में रॉबिन सर और सत्तू भैया, जिनके किरदारों को आपने रंगीन पर्दे में देखा, उनका सहयोग अतुलनीय था। theworldcricket.com उनके इस सहयोग का सदा आभारी रहेगा। इस वीडियो में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के कुछ सीन्स को भी लिया गया है उदाहरण हेतु, और हम इस वीडियो के जरिए अपना प्यार और सम्मान स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित करना चाहेंगे। सुशांत सर, आप जहां भी हो खुश होंगे, काश आपने ये वीडियो देखा होता। तो इस दास्ता को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बंगाल टेनिस क्रिकेट में MS धोनी के खेलने की सच्चाई। टेनिस क्रिकेट में आप लोग जब आए तो आप लोग क्या डायरेक्ट आप लोग को चांस मिला था या फिर कोई आप लोग का खेल देखा था? जैसे हम लोग को पता है कि जब माही सर यहाँ रेलवे में आए थे तो सत्यप्रकाश जी उनको टेनिस क्रिकेट में एंट्री करवाए थे। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो हाँ सत्यप्रकाश जी का है, क्योंकि सत्यप्रकाश सीनियर था हम लोग से। अच्छा, वो अच्छा। पहले खड़गपुर ज्वाइन किया था, वो पहले खड़गपुर ज्वाइन किया। तो हम लोग जब आए खड़गपुर में, हम लोग को स्ट्रगल टेनिस बॉल का स्ट्रगल नहीं लगा, क्योंकि खड़गपुर बहुत बड़ा जगह नहीं है और हम लोग रेलवे में स्मूथ फुटा ज्वाइन किए थे, तो उनके लिए हम लोग ऐसे बड़े क्रिकेटर थे। पहले बोल क्या रहा हूँ, बंगाल में क्रिकेटर को भगवान बना के रखते यहाँ के लोग 100%। तो उस टाइम हम लोग पहले से सुपीरियर थे, बट सत्तू का इन्फ्लुएंस ये था कि हमको दुर्गा स्पोर्टिंग जो टीम है उससे खेलने के लिए बुलाता था कि आप खेलने जाएंगे सर। तो बहुत कम लोगों को पता है कि MS धोनी जी को बंगाल टेनिस क्रिकेट में लॉन्च करने वाले आप ही है। ये किस टाइम पे हुआ था, किस ईयर या कैसे हुआ था, पूरा बताएं। देखिए, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि लॉन्च करने वाले हम हैं, एक हम माध्यम थे। एक हम माध्यम थे, जैसे नौकरी में एक माध्यम बने उसको हम लेकर के आए। जब हमारे आदरणीय गांगुली साहब जब DRM थे, तो जब मैं यहाँ नौकरी में आया तो वो बोले कि तुम उनको लेकर के आओ। मैं बोला ठीक है सर, मैं उसको कोशिश करूंगा लाने का। तो जब वो यहाँ आया खड़गपुर, तो खड़गपुर में रिकॉग्नाइज क्रिकेट नहीं है, बंगाल में, पूरे बंगाल में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारे जगह है, लेकिन खड़गपुर में कोई लीग नहीं होता है। तो लेकिन टेनिस बॉल बहुत ज्यादा था यहाँ टेनिस बॉल। तो आखिरकार हम भी क्रिकेटर हैं, कितने दिन बैठे रहेंगे, तो टेनिस बॉल ही खेलने जाते थे। तो इस तरह से धोनी का भी आगमन हुआ। हम जिस टीम से खेलते थे, एक दुर्गा स्पोर्टिंग टीम था जिससे हम लोग खेलते थे, यहाँ दुर्गा स्पोर्टिंग बोल के एक क्लब है, तो उनके वहाँ खेलने जाया करते थे हम लोग। तो उन्हीं लोग जहाँ एंट्री लेते थे टूर्नामेंट में, तो उनके टीम से खेलने जाते थे। कोई टीम तो पहले तो पैसों से कोई बात ही नहीं था, तो कहीं कभी मेरे को याद है धोनी को एक आध टूर्नामेंट में 300 रुपए पर मैच के मिला होगा। अच्छा, वैसे दे रहे थे उस टाइम, हमारे लिए टाइम पास के लिए अड्डा था और खेल भी रहते थे बढ़िया। बाइक में घूमने का शौक था, उसी चलते हम लोग बहुत गांव घूम लिए। बाइक राइड उस टाइम सभी करते थे। धोनी फेमस हो गया क्योंकि धोनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्योंकि मेरे को याद है खड़गपुर में सत्यप्रकाश का सबसे पहले बाइक था, फिर मेरे पास पल्सर था। अच्छा, धोनी के पास बाइक नहीं था खड़गपुर। हम लोग जब दीघा गए थे, धोनी को एड्रिनो एक बाइक आता था, एड्रिनो बड़ा वाला, कई लोग लेके जाते थे खेलने के लिए, खेत खेलने के लिए भी लेके जाते थे। तो हम लोग जाते थे खेलने के लिए, जैसा डिमांड रहता था। अच्छा। और खेलते खेलते एक पहचान भी बन गया, और धोनी तो खैर था ही सुपरस्टार, और क्योंकि लोग उसको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। एक्चुअली हम सच बोला जाए तो धोनी के दोस्त भी उसको नहीं जानते थे। उसको ऊपर वाले ने दो दिल दिमाग दिया था, एक हमारे साथ रहता था और एक दिल दिमाग कहीं और था जो खिचड़ी पका रहा था, और ऐसा रॉक सॉलिड किया कि अपने आप को एक ऐसे मुकाम तक लेकर के गया। तो यूं कह लीजिए कि जब तक वो रांची में था और रिकॉग्नाइज क्रिकेट खेल रहा था, रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, सब कुछ खेल रहा था, अपना लीग भी खेलता था, डिस्ट्रिक्ट का लीग खेलता था, लोकल रांची का लीग खेलता था। खड़गपुर में जब आया तो कोई रिकॉग्नाइज क्रिकेट नहीं था, टेनिस बॉल ही था, और यहाँ से निकल करके वो इंडिया खेला तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात कहना ये गलत गलत नहीं होगा कि जो लिमिटेड फैसिलिटीज से निकल के जाएगा वही सिकंदर है, वही महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पे एक बात पूछूंगा कि रातुलदा आए थे शो पे, तो रातुलदा ने हमें कहा
कि माही सर जब टेनिस क्रिकेट खेलते थे तो वो बहुत ही तेज गेंदबाजी करते थे, फास्ट बॉलर थे वो, और वो उनकी गेंद से मतलब विकेट कीपर को भी डर लगता था। इफ ही वुड हैव प्लेड टोटली बंगाल टेनिस क्रिकेट देन ही वुड हैव बीन द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ बंगाल टेनिस क्रिकेट। एकदम सही बात है। एक मैच में ऐसा हुआ भी था कि हम लोग को जीतने के लिए लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए था, उस मैच को हम लोग धोनी लास्ट ओवर बॉल किया, हम लोग जीत गए थे। और एक टूर्नामेंट जो खड़गपुर का नहीं बोला जाएगा ठीक होगा, वो बंगाल का सबसे बढ़िया टूर्नामेंट होता था, यहाँ पर अपना ग्रीन एकेडमी होता था, यहाँ पर एक ग्रीन एकेडमी के बहुत ही बड़े खेल के मतलब क्या बोलेंगे उनको, बहुत जिनको दीवानापन है, और आज हमारे MLA है प्रदीप सरकार, वो कराते थे उस टूर्नामेंट को। और बंगाल का मुझे लगता है कि बंगाल का वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट होता है और इसमें सारे खिलाड़ी खेलते हैं, नॉट ओनली खड़गपुर के और बंगाल के, बट ऑल्सो उड़ीसा से आते हैं, झारखंड से, बिहार से, इवन यूपी से भी आके कई खिलाड़ी खेल करते गए। तो उस टूर्नामेंट में माही मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, सॉरी बेस्ट बॉलर हुआ था, मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, लेकिन वो बेस्ट बॉलर हुआ था उस टूर्नामेंट में। इतना अच्छा गेंदबाजी किया था और बहुत तेज बॉल डालता था, और खुद वो बॉलिंग करना नहीं पसंद, कीपिंग करना नहीं पसंद करता था, वो बॉलिंग ही ज्यादातर करता था। और हम लोग को भी भरोसा रहता था क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर 6 ओवर और 8 ओवर का मैच होता है, समझ गया ना, तो हम लोग को पूरा भरोसा रहता था कि चलो उसका 2 ओवर है, हम लोग को पता है कि 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा 10 रन या 12 रन देगा। क्वार्टर में दिखाया गया कि एक क्लोज फ्रेंड जो लेके आते हैं, जो दिखाया गया कि कार्बोलिक एसिड है, सफा अफा आता है, धोनी बंद करके रखना दरवाजा, वो आप ही थे? जी जी मैं ही था। क्वार्टर में जो क्लोज फ्रेंड सबसे पहला दिखाया गया था वो सत्य प्रकाश जी थे जो बात कर रहे थे, हाँ, जो पहले क्वार्टर दिखाते हैं वो। हाँ, सत्य प्रकाश से क्लोजनेस कैसा है बता रहा हूँ, सत्य प्रकाश बिहार के लिए खेला था, धोनी भी बिहार के लिए खेला था। कि मूवी में जैसे दिखाया गया है कि माही सर को हेलीकॉप्टर शॉट खेलना संतोष लाल जी ने सिखाया था, और उसके बदले तो उसके बदले में माही सर ने समोसा उनको खिलाया था, उन्होंने कहा था सिंघाड़ा खिलाओगे तो सिखाऊंगा, तो उन्होंने खिलाया था। तो क्या ये हद तक मतलब कि ये सच है कि संतोष लाल जी ही इन्वेंटर है टेनिस की हेलीकॉप्टर शॉट के? ये तो बात सही है कि संतोष लाल टेनिस बॉल जब खेलते थे तो हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, और वो लोग दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। हालांकि संतोष लाल आज हमारे बीच नहीं है, बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत प्यारा लड़का और बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर, और वो माही और संतोष दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। नहीं नहीं 100% ये सही बात है, संतोष से ही सीखा हूँ, घर भाई बोल के छोड़ के घर का लंगूटिया वही था, क्योंकि टेनिस क्या है, खड़गपुर का 6 ओवर का होता है, 6 ओवर तो जितने भी बॉलर टॉपचंद बॉलर है, या तो स्पिन बोलते हैं ना अपन, स्पिन तो इसको इन लोग फिंगरिंग बोलते हैं, फिंगरिंग बोलते हैं यहाँ पर, या तो फिंगरिंग करेंगे या यॉर्कर मारेंगे, क्योंकि आपको लेंथ का बॉल मिलता नहीं, लेंथ का बॉल नहीं मिलेगा, हाँ तो यॉर्कर बॉल को मारने के लिए हेलीकॉप्टर शॉट मारना ही पड़ता है। और धोनी जी का फेवरेट था उस समय समोसा, सिंघाड़ा खाना बहुत पसंद करते थे। नहीं 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 समोसा नहीं था उसका, खड़गपुर में बूंदी और जो मिक्सर आता ना सफेद वाला या फिर येलो वाला, गुंदी सेव खास खाते है, सामने सड़क पे है, मेरे घर पे ज्यादा दूर नहीं है, तो शाम को सेव बुंदी खाना बड़ी जरूरी था। अच्छा। वो लंच डिनर में बिलीव नहीं करता धोनी, लंच डिनर वो दिन भर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा चॉकलेट और काजू बादाम यही सब करता है, ज्यादा खाना नहीं खाता। हमें दिखाया गया था कि 2003 का फाइनल चल रहा है, सचिन का विकेट गिरा, माही उठता है, बोलता है भैया चाय बना के लाते हैं, उनको भगवान कहा जाता है, तो जैसे वो सचिन आउट होते हैं तो उसका थोड़ा मन खराब हो जाता है, आप लोग देखिए हम आते हैं, घटना घटा था, इसके अलावा भी बहुत सारा घटना था जो कि मूवी में नहीं दिखाया जा सकता है। अब वो तो मूवी देखने के बाद याद आया कि ऐसा सीजन हुआ था हम लोगों को, क्योंकि ये तो हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में चलते रहते ना, तो उसका याद था नहीं, मतलब नॉर्मली वो बनाते थे। हाँ और कोई तो था नहीं ना, सैलरी भी तो इतना कम था कि खुद को पालना मुश्किल था, सीमेंट कहां से रखेंगे, कैसा कैसा बनाते थे, चाय कैसा बनाते थे, चाय बहुत पीता है वो, लेकिन मैंने
नहीं क्वांटिटी बहुत ज्यादा पीता है, एक गिलास ही उसके चाय। देखिए ऐसा था कि हम लोग सब अनमैरिड थे, कम उम्र था, और कभी कभी होता था कि अपने से ही बना के खाना, ज्यादातर ही होता था कि अपने से ही बना के खाना है, तो जिसका जो स्पेशलिटी था वो अपना काम करता था, वहीं चाय बहुत अच्छा बनाता था। अच्छा। और उसको चाय पीना बहुत पसंद था। एक बात जानना चाहूंगा कि माही सर जब आप लोग से मिले थे बंगाल में, जब खड़गपुर आए थे, तो लंबे हेयर के साथ आए थे या छोटे छोटे हेयर थे उनके उस समय? नहीं छोटा था बाल, हेयर बाल छोटा। लंबे बाल का कॉन्सेप्ट क्या था बता रहा हूँ, उसका एक फ्रेंड है मिहिर दिवाकर। अच्छा। उसका सबसे क्लोज फ्रेंड है मिहिर दिवाकर। मिहिर दिवाकर उस टाइम इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा था, वो बिहार के लिए खेला, ऐसे मीडियम पेसर रणजी ट्रॉफी बिहार के लिए खेला है वो। तो धोनी हम लोग रात को उस टाइम जो 11:15 बजे 1/4 लगता है ना स्टडी से, जो फोन कॉल करने के लिए 1/4 लगता है 11:15, तो हम लोग पैदल पैदल जाके रात को 11:15 का वेट करते थे, फिर फोन करते थे उसको इंग्लैंड में थे जो, धोनी करता था जाती थी, एक एक घंटा बात करेगा वो उससे। वो मिहिर दिवाकर पहले बाल बढ़ाया था, बाद में धोनी बाल बढ़ाया उसके। अच्छा। साथ दोनों कॉपी करके धोनी को शूट कर गया, धोनी रख गया बाल। नहीं बंगाल में हमसे नहीं मिले थे, हम तो दोनों एक ही स्टेट के थे, बिहार में। हम तो बिहार के, हाँ तो हम तो उसको बचपन से ही जानते हैं, बचपन इन द सेंस की जब से वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तब से ही जानते हैं। जो उसके टीचर थे, उसके कोच थे, मेरे भी कोच रहे हैं, तो हम बताते रहते थे कि ये प्लेयर है। बनर्जी सर, कौन? बनर्जी सर और एक और सर थे, चंचल भट्टाचार्य जी सर। अच्छा। तो वो हम लोग को भी सिखाते थे। देखिए वो घटना था, उसका एक दोस्त है मिहिर दिवाकर जो बचपन का उसका दोस्त है, एक मोहित गोयल दोस्त है, तो लोग आपस में कभी मोहित बड़ा बाल रखा तो कभी मिहिर दिवाकर रखा, तो किसी को देखकर उन्होंने इंस्पायर हुए थे। हाँ हाँ, वो उनका अपना स्टाइल है, निजी मामला है, उतना हम लोग को ये नहीं था। हालांकि मैं उसे खड़गपुर में आते आते क्या बाल छोटा कर दिया था? खड़गपुर में तो छोटा ही बाल था, बड़ा बाल तो कभी नहीं रखा था। इंडिया टीम में जाने के बाद ही उसका बड़ा बाल ऐसा दिखा। गांगुली सर जो है, एक ओवर का एक वो रहता है मैच जब, जिसमें आप भी खड़े रहते हैं, जिसमें गांगुली सर बॉल करते हैं, आप बोलते हैं कि अभी ये बहुत बॉलिंग करेगा जब आउट नहीं होगा, तो वो सीन क्या सच में हुआ था वो सीन? हाँ, ऐसा है कि माही कभी हार नहीं मानता है, ठीक है। मुझे ऐसा बहुत सारा मैच याद है कि वो बोला कि सत्तू भैया मैच हारना नहीं है। इवन हम लोग यहाँ खड़गपुर में भी गली में भी खेलते थे, दुर्गा स्पोर्टिंग के ग्राउंड में खेलते थे, तो अगल बगल दूसरे कॉलोनी से जब मैच होता था तो वो पता नहीं उसका एक अंदर ऐसा जिद था और जुनून था कि भैया ये मैच हारना नहीं है किसी भी हाल में। और वो किसी मैच को छोटा नहीं मानता था, और उसका ये मानना था कि जो अगर वो 50 पर खेल रहा है तो जो अगला बॉल खेलने जा रहा है उस हर बॉल को सोचता था कि ये मेरे लिए पहला बॉल है और आखिरी बॉल है, उस हिसाब से खेलता था। और किसी भी मैच को हारना नहीं चाहता था वो, और ना हारता है अभी भी। अंदर अंदर कुछ ना कुछ वो उसका केमिस्ट्री चलते रहता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चलते रहेगा। उसी तरह गांगुली सर भी वैसे बहुत जिद्दी थे, वो बोलते थे जब तक तुमको मैं आउट नहीं करूंगा तब तक मेरा बॉलिंग होते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो वही मैं बोला कि माही आउट हो जाओ नहीं तो सर सारा करते ही रह जाएंगे। उनके घर में वो तो ग्राउंड का था ना, उस हम लोग उनके घर में खेलते थे। गांगुली सर अपने बंगलों में है, क्योंकि डीआरएम थे बहुत बड़े, तो रेल के लिए एक डीआरएम बहुत बड़ा होता है किसी भी रेल में, किसी भी डिवीजन के लिए। तो उनका बंगला बहुत बड़ा था, तो अपने बंगलों में भी वो सीमेंट का एक पिच बनवाए थे, हम लोग प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। तो 8 से 2 घंटा वो करते थे, 8 से 10 एकदम, और जब तक आउट नहीं कर ले या बॉल कोई ऐसा हवा में नहीं जाए कि जिससे लगे कि हाँ कैच के लिए गया है, तब तक छोड़ते नहीं थे। दोनों बहुत जिद्दी थे। एक सीन दिखाता है प्लेटफॉर्म में, दिखाते हैं कि माही कहता है गांगुली सर को कि परमिशन मांगते हैं वो कि सर इस टाइम में हम टेनिस क्रिकेट थोड़ा खेल ले मजा आ जाएगा, तो परमिशन लिया था क्या गांगुली सर से? क्या परमिशन लिया गया था? यार हम सब थे गांगुली सर, वो टेनिस के एकदम अगेंस्ट में थे। अच्छा। एकदम अगेंस्ट में थे, बैटिंग खराब हो जाएगा कि खेलने देते नहीं थे, हमने तो चुप चुप के खेल लेते थे। तो उस टाइम धोनी को पूछा होगा तो गांगुली सर डायरेक्ट मना ही कर दिए कि ऐसा कभी नहीं खेलना नहीं चाहिए।
ऐसा कई बार कंप्लेंट गया था हम लोग का, बहुत लोग कंप्लेंट किए थे कि ये लोग टेनिस बॉल बहुत खेलते हैं, है ना। तो उसमें ऐसा सीन था कि सर को पूछ रहा है कि सर मैं टेनिस बॉल खेलूं क्या, हाँ, तो सर बोलते हैं हाँ खेलो, तो बोलता है मेरा बैटिंग तो खराब नहीं होगा, हाँ, तो उसमें सर बोलते हैं कि तुम्हारा बैटिंग अच्छा ही कब था जब खराब होगा, खराब होगा। ये सब खेल देखिए, वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन होना आसान काम नहीं है और वो आम खिलाड़ी नहीं था, ये सब एक मसाला है मूवी में, एक मसाला। एम एस धोनी क्योंकि उनका खड़गपुर एक पार्ट है, इट वाज हिज पार्ट ऑफ हिज लाइफ, तो आते हैं क्या बीच बीच में कभी कभार खड़गपुर? नहीं, जब से इंडिया टीम में गया है आया है, लेकिन उस ढंग से नहीं आया है। देखिए, अगर महेंद्र सिंह धोनी आज कहीं खड़ा हो जाए, जहाँ पर क्रिकेट होता है, किसी वर्ल्ड के किसी भी कोना में जहाँ क्रिकेट होता है यह समझा जाता है, तो भड़मार हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आसपास कम से कम 5 लाख लोग जुड़ जाएंगे, है ना, भीड़ हो जाएगा इतना कि संभाल नहीं पाएंगे। हालांकि बोला है वो कि आएंगे एक बार, लेकिन वो असल में किसी समारोह में जाता नहीं है। नहीं, हम तो कभी भी कहीं भी मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, घर तो नहीं जाया था, हम लोग स्टेडियम में ही मिलना हो जाता है। अच्छा, तो स्टेडियम में मिल लिए, या कोलकाता आता है तो कोलकाता हम लोग चले जाते हैं। नहीं नहीं, देखो, एक तो इमोशन जुड़ा होगा उसका खड़गपुर से, क्योंकि यहीं से उसको जब यहाँ खेलने आया तो यहीं से रहते रहते उसको कॉल आया कि भाई मेरे को इंडिया टीम में चांस मिला। हाँ, हाँ, ये इमोशन उसको, और कोई आदमी होगा तो 100% उसको इमोशन होगा, लेकिन धोनी इतना इमोशनल लगा नहीं। अच्छा, वो प्रैक्टिकल है 10 मिनट, लेकिन वो बिजी शेड्यूल के कारण खड़गपुर तो एक बार आया, उसके बाद इंडिया खेलने के बाद उसके बाद नहीं आया। कभी गया था हम लोग कलकत्ता मिलने के लिए, तो कम से कम 4 घंटा बैठे थे। हम लोग को बोलना पड़ा कि हम लोग को निकलना है, ट्रेन छूटे करके। तो वो बोला कि नहीं, होटल में हुआ क्या था, धोनी मेरा थॉमस दोस्त है, चाय वाला थॉमस, सुनेगा ना? अच्छा, चाय वाला, हाँ हाँ, चाय वाला। उसको लेके मैं जब लास्ट टाइम सबको लेके गया, थॉमस को ले गया, शोभा पूजा कैटरिंग वालों को ले गया, सबको लेके गया था, तो स्टेडियम में धोनी मिला। वो जो यूट्यूब में हम लोग का वीडियो है, स्टेडियम में धोनी मिला, तो मेरे को बोला रॉबिन तू उसको रूम में लेके आ, होटल में रूम में लेके आ, वीडियो में है मेरे पास, आपके पास मिल। जब होटल में लोग गए तो टीम पहले से ले गया था होटल में, तो फिर भी हम लोग एक घंटा बाहर बैठ रहे हैं, तो फिर धोनी होटल से उसका जो मैनेजर है, क्या तो रंजीत, क्या तो नाम है उनका, याद नहीं आ रहा था, तुम बता दे, वो उसको भेजा, फिर मेरे को भेजा, तो फिर मेरे को अपने रूम ले गया। तू किसान किसान के रूम में धोनी एक वीडियो गेम खेल रहा था। अच्छा, चाबी दिया, बोले चाबी लेके जा और बैठ वहां। फिर मैं वहां रूम में गया, चाबी दिया, चाबी खोल के वो बैठे। तो जब वो बैठे तो बोला रॉबिन जो भी फोटो खींचना होना तुम लोग खींच लो, उसके बाद हम लोग बतियाएंगे। स्त्री बोला बिहारी तो सीधा बतियाएंगे, बोला उठी। तो उस टाइम बोला कि खड़गपुर में सोडा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सोडा समझा, सोडा सोडा लाइम सोडा, कल्चर वाला सोडा होता था वो वाला, उसको सोडा पसंद है, थॉमस कमल भी है, बंटा एग्जैक्टली, थॉमस का चाय पसंद है, फिर कमल प्रिया बोल के चाउमीन है, उसके बारे में पूछा कैसा है कमल प्रिया। तो देखो, इतने साल मिलेगा तो वो तो पूछेगा ना, वो तो उसको तो पुराना ही पता है, और वो जितना अच्छा क्रिकेटर है उससे तो 10 गुना वो इंसान है, तो पूछेगा पूछेगा। तो सर, एक बात और जानना चाहूंगा कि माही सर के साथ जो आप लोग का रिलेशन पहले था, क्या आज भी वैसा ही बरकरार है? क्योंकि हाँ, मिलना जुलना कम हो गया है, मगर ओवर द टेलीफोन एंड नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है, हम लोग कभी फोन नहीं करते हैं। अच्छा, और वो फोन देखा जाए तो फोन यूज ही नहीं करता है, बहुत सारा ऐसा घटा भी है उसके लाइफ में कि फोन नहीं उठाया। एक्चुअली वो फोन यूज ही नहीं करता है, बहुत कम यूज करता है फोन। अच्छा, फोन से मतलब ही नहीं रहता, फोन है लेकिन पड़ा हुआ है, कहाँ रखा हुआ कोई मतलब नहीं है। बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी आया था ऐसे ले करके, लेकिन वो फोन यूज ही नहीं करता है। तो हम लोग कभी मिलना होता है तो रांची चले गए, स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा है तो मिल ले, या कोलकाता आया है आसपास तो मिल ले। हाँ, बस इसी तरह से होता है, और कभी रोक टोक नहीं है, जब चाहे कहीं भी मिल सकते हैं, कभी कोई रोकता नहीं है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि उससे हर टाइम बोले ना कि हमारा सेंटीमेंट है कि वो मेरे साथ मिले, हम फोटो खिंचाए सोशल मीडिया में डाले, लेकिन अगर हम उसको तंग करते रहेंगे अपने काम से, वो अगर विचलित हो जाएगा तो कैसे फोकस करेगा, तो हम लोग भी नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग भी जब आसपास आया, कभी हुआ तो मिल लिए, नहीं तो जा करके कभी नहीं।
या कभी फोन नहीं करते हम लोग। नहीं नहीं, वो पर्सनली हम लोग को बोला कि तुम लोग मेरे को पूरे इंडिया में कहीं भी मिल लेना, लेकिन रांची मत मिल। रीजन बताया, रांची में जब भी जाता है ना तो जितने नेता है वहाँ के, वो प्लीज वहाँ के जितने बड़े बड़े तोपचंदू है उससे अपॉइंटमेंट मांगते रहते हैं वहाँ मिलने के लिए। अच्छा। और आउट ऑफ रांची में, आउट ऑफ रांची में क्या होता है, हम एज ए फ्रेंड मिल लेते हैं। तो बंगाल टेनिस क्रिकेट में एमएस धोनी की इस योगदान का द वर्ल्ड क्रिकेट.कॉम की तरफ से नमन।